नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट से जुड़े हुए रोगों को हम रेकी की मदद से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। साथियों, ये आम बात हो चुकी है, आजकल सब्जियां शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं मिलता, तो पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो चुकी हैं। घर घर में पेट से जुड़ी समस्याएं मिल जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन, आए दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इनडाइजेशन की समस्या, तो इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमन है। तो रेकी की मदद से हम इन समस्याओं को काफी हद तक निजात पा सकते हैं। देखिए, हम इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हम रेकी अपने दोनों हाथों को रब करके रेकी शक्ति को कॉल करें। रेकी शक्ति को कॉल करने के बाद हम अपने हाथ पे दें चोकरे 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 चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इस हाथ पे भी ऐसा ही करें, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब देखिए, इनडाइजेशन हो रहा है या एकाएक हमको देखा कि कॉन्स्टिपेशन, सुबह सोकर उठे और देखा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बन रही है बहुत ज्यादा, तो जब कभी भी हमको इस तरह की समस्याएं हो तो शुरुआत हम ये सारी समस्याएं हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई होती हैं। मणिपुर चक्र में किसी भी तरह की निगेटिविटी आई, मतलब हमें पेट से जुड़े रोग शुरू हो जाएंगे होना। तो सबसे पहले हम करें क्या, मणिपुर चक्र हमारे नाभि से थोड़ा सा ऊपर, ये चक्र हमारा मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र में आप बनाइए स्पाइरल चोकरे 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 चोकरे, और देखिए ऐसे धागे की तरह खींचिए, इस तरह से आप खींचते जाइए, मतलब यहाँ पर लगातार बार बार स्पाइरल चोकरे बनाइए, और ये इमेजिन करिए कि यहाँ से गोल 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 इस तरह से बन के इसको धागे की तरह खींचिए, मतलब जितनी भी गंदगी आपके मणिपुर चक्र में आपके पेट में इकट्ठी हुई है उसको आप निकाल रहे हैं। तो रेकी शक्ति के साथ में आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर आपने इस तरह से गोल गोल बॉल की तरह आप बनाते जा रहे हैं, और जितनी भी गंदगी है वो धागे के रूप में ऐसी गोल 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 बनती हुई जा रही है, इस तरह से जा रही है, और यूनिवर्स में फेंकते जाइए, सारी गंदगी निकालकर अपनी ऑरा में से आप बाहर फेंकते जाइए। आपके मणिपुर चक्र में जैसे ही हल्कापन आएगा, मतलब जैसे ही निगेटिविटी बाहर निकलेगी, तो आपको दर्द में कॉन्स्टिपेशन में आराम आएगा। उसके बाद आप करिए अपनी हाथों से हीलिंग करना शुरू करिए, आराम से इस तरह से अपनी हीलिंग करिए। सिंबल्स की ये बात है कि आप जिस लेवल पे हैं, हर लेवल पे सिंबल्स होते हैं। आप जिस सिंबल को आपको इंट्यूशन होता है या रेकी शक्ति आपको बताती है कि आप ये सिंबल, आपको आभास हो रहा है कि ये डालना है, तो अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए, आप उस सिंबल को डालिए और हीलिंग कीजिए अपनी। अब आप अगर कर्मा रेकी किए हैं तो आपके पास अनेकों सिंबल हैं उसमें, अगर आप मास्टरशिप और ग्रैंड मास्टरशिप किए हैं तो आपके पास बहुत ऐसे सिंबल हैं जो सिर्फ पेट के रोगों के लिए ही हैं, जैसे कि कोस्ता हुआ, तो इस तरह के सिंबल ग्रैंड मास्टरशिप में आपको मिलते हैं, तो भरे पड़े हैं सिंबल्स। पर आपके पास जो भी सिंबल है आप उससे हीलिंग कीजिए, रेकी शक्ति जरूर काम करती है। तो आपने चोकरे बनाया और आपने हीलिंग देनी शुरू की, आप अपने मणिपुर चक्र पे लगातार इस तरह से हीलिंग देते जाइए, हीलिंग देते जाइए, 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खूब अच्छी हीलिंग दीजिए। साथ ही जब भी रेकी में फर्स्ट लेवल से ही आपको जरूरी होता है कि आप अपने सातों चक्रा की हीलिंग कम से कम रोज करते रहें। उस हीलिंग का मतलब ये रहता है कि आपके सारे चक्र मजबूत हैं, सशक्त हैं, आपके अंदर किसी भी तरह की निगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब आप प्रतिदिन अपने सारे चक्रों की, आप अपने रूट चक्रा से लेकर के मूलाधार चक्र से लेकर के आप अपने क्राउन चक्र तक जब आप हीलिंग करते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ये वाली समस्याएं तो बहुत आम है, बड़ी आसानी से आपके शरीर से निकलती हुई चली जाती हैं। और फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप इस जो विधि मैंने आपको बताई है उस विधि से आप अपनी हीलिंग कीजिए। साथ ही हीलिंग करने के बाद आप, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप वहां सील्ड कर दीजिए। अगर आपके पास करुणा रेकी है तो आपके पास एक सिंबल है उद्रेका। उद्रेका ऐसा सिंबल है कि जिसको जहां आपने डाल दिया वहीं रेकी शक्ति लॉक हो गई। और लॉक करने की विधि यह है कि आप जब भी लॉक करें तो रेकी शक्ति को समय सीमा दे दें कि आप 24 घंटे तक रेकी शक्ति लगातार मेरे मणिपुर चक्र में काम कर रहे हैं। तो आप नहीं भी हीलिंग देंगे, नहीं भी आप अपने हाथ रखेंगे यहाँ, तब भी रेकी शक्ति वहां काम लगातार करती रहेगी और आपको हीलिंग मिलती रहेगी, आपको स्वास्थ्य में आराम होता रहेगा। तो रेकी शक्ति से इस तरह से आप हीलिंग देकर अपना लॉक कर दीजिए। उदय का सिंबल यहाँ आप डालिए, चोकरे डालिए, उदय का सिंबल डालिए और सील्ड सील्ड सील्ड, इस तरह से आप सील कर दीजिए।
अच्छा, स्विच वर्ड्स जो मैं अपनी सभी सीरीज में बता रही हूँ, हर समस्या के लिए मैं स्विच वर्ड बता रही हूँ। तो पेट की समस्या, इनडाइजेशन के लिए मैं एक बहुत छोटा सा आपको स्विच वर्ड देती हूँ, जिसको आप दिन रात चैंट करिए, ईजो। ईजो ईजो एक ऐसा वर्ड है, एक चाइनीज मंत्रा है। इस मंत्रा का अगर आपने जाप किया तो आपका इनडाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन आपको आसानी से नहीं होगा। दूसरा, ईजो मंत्रा का एक और जो लाभ है वो आपको हेडेक में आराम होगा। अगर आपको सर में भी दर्द हो रहा है या आप माइग्रेन से भी रिलेटेड आपको समस्या होती है तो आप ईजो मंत्र का जाप करिए। ना सिर्फ पेट से जुड़े बल्कि आपके मणिपुर चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक की जितने भी दर्द होंगे वो दर्द आपके दूर होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। आप जाप करेंगे पेट के लिए, लेकिन आराम आपको क्राउन चक्र, माइग्रेन, हेडेक, इसमें भी आराम होना शुरू हो जाएगा। तो ईजो एक ऐसा स्विच वर्ड है बल्कि एक चाइनीज मंत्र है जिसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल देखिए, ये है सिट्रिन। सिट्रिन पर मैं अपना बहुत विस्तृत एक वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ कि सिट्रिन हमारे धन संपदा से भी जुड़ा हुआ स्टोन है। सिट्रिन हमारे मणिपुर चक्रा से जुड़ा हुआ स्टोन है। हमारे मणिपुर चक्रा का रंग भी पीला है और ये सिट्रिन का रंग भी पीला है, हमारे मणिपुर चक्रा से जुड़ा हुआ है। एक और तो हमें धन सम अगर हम इसको अपने पास रखते हैं तो धन संपदा दौलत ये तो हमको मिलती ही है इससे, लेकिन इसका ये लाभ भी है कि यदि हम इसको मणिपुर चक्रा पे रखते हैं तो आपके पेट के रोगों की समस्याएं सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। जहां एक ओर आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा वहीं दूसरी ओर आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। आप अपने मणिपुर चक्रा पे कुछ स्टोन लीजिए या एक बड़ा सिट्रिन ले लीजिए आप। तो इस तरह से बड़ा सिट्रिन लेकर अपने यहाँ पर मणिपुर चक्रा पे कुछ देर रखिए, आधा घंटे रखिए, 1 घंटे रखिए और देखिए सिट्रिन का की वाइब्रेशंस आपके शरीर में, आपके ऑरा में जाती हैं और किस तरह से आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। 15-20 दिन, 1 महीने देखिए जरा ऐसा करके, फिर आप देखिए पेट की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये सब अपने आप दूर होती चली जाएंगी। और साथ ही लगातार अपनी पर डे आप 7 चक्रास अपनी हीलिंग करिए। अगर आपको पेट पे ज्यादा समस्या है तो मणिपुर चक्रा में आप 5 मिनट 7 मिनट हीलिंग करिए, बाकी चक्रा पे आप 3 मिनट हीलिंग करिए, मणिपुर चक्रा पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो साथियों, मैं अपने सभी वीडियोस में आपको बहुत सारे रोगों के बारे में बता रही हूँ। अगर आप किसी और विशेष टॉपिक पे भी मुझसे जानना चाहें या मुझसे कुछ बात करना चाहें तो दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।